आंगनवाड़ी भवन का प्लास्टर टूटकर गिरा, बाल बाल बच्चे बच्चे। धरमजयगढ़ क्षेत्र के तरेकेला गांव में आज सुबह करीब 9 बजे आंगनवाड़ी केंद्र की छत का प्लास्टर टूटकर अचानक जमीन पर आ गिरा। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है आंगनवाड़ी में मौजूद बच्चे छत से गिरे प्लास्टर के जद में आने से बाल बाल बच गए हैं और एक बड़ा हादसा टल गया है। जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ क्षेत्र के तरेकेला गांव में करीब 30 साल पुराने जर्जर भवन में आंगनवाड़ी संचालित है। इस जर्जर भवन में उस वक्त खलबली मच गई जब आंगनवाड़ी भवन के छत का प्लास्टर टूटकर नीचे जमीन पर गिरा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बच्चों को केंद्र में पढ़ाया जा रहा था, उसी दरमियान यह हादसा हुआ। हालांकि बच्चे छत के प्लास्टर के जद में नहीं आए और एक बड़ा हादसा टल गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तारा सिद्धार्थ के अनुसार जर्जर भवन में 20 बच्चे अध्ययनरत थे। कहना है जर्जर आंगनवाड़ी भवन को लेकर संबंधित आला अधिकारी को लिखित एवं मौखिक रूप में जानकारी दी जा चुकी है, जिसमें बताया गया है कि आंगनवाड़ी भवन का छत काफी जर्जर हो चुका है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जर्जर भवन को लेकर किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई। लिहाजा आज तारेकेला आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को पढ़ाने के दौरान भवन की छत का प्लास्टर यकायक टूट कर जमीन पर गिर गया। आंगनवाड़ी में मौजूद बच्चे इस भयंकर हादसे से बाल बाल बच गए। अलबत्ता पुनः संबंधित आला अधिकारी को घटना के संबंध में जानकारी दे दी गई है। ऐसे में यहां सवाल उठना लाजमी है कि जब संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जर्जर भवन के विषय में उच्च अधिकारियों को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है, तो फिर क्यों इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। बता दें हादसे के बाद से संबंधित कर्मचारी समेत पालक फिलहाल सहमे हुए हैं। धरमजयगढ़ से शेख आलम की रिपोर्ट।